आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वो माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे ने कहा कि अगर कोई चार्ज है ये कोई एक चार्ज है क्यू, तो इस चार्ज की सराउंडिंग में जो स्पेस होगा ये चार्ज क्या करेगा, इस स्पेस को मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई से क्या मुराद है? कि अगर हम कोई दूसरा चार्ज इस स्पेस में लाकर प्लेस करते हैं जिसको पहले चार्ज ने मॉडिफाई कर दिया है, कोई दूसरा चार्ज यहां लाकर प्लेस करते हैं, तो ये पहला चार्ज क्या करेगा? इस दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगेगा। तो ये जो मॉडिफाइड रीजन है अराउंड द चार्ज, जिसमें अगर हम दूसरा चार्ज लाकर रखते हैं तो पहला चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करे, इस मॉडिफाइड रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सही। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि मॉडिफाइड रीजन अराउंड अ चार्ज, कि जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज प्लेस करें तो ये पहला चार्ज उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगे। अच्छा, जिस चार्ज की हम फील्ड मालूम करना चाहते हैं उस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। तो ये जो क्यू है यहाँ, ये सोर्स चार्ज है। और ये जो दूसरा चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया जिस पर फोर्स लगी और हमें पता लगा कि ये जो रीजन है ये मॉडिफाइड है, इस दूसरे चार्ज को हम कहते हैं क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज। कन्वेंशनली ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉजिटिव होता है और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फिर ये सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट करेगा और फिर हमें इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअल फील्ड नहीं पता लगेगी सोर्स चार्ज की। तो जितना टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम से कम होगा उतनी ही एक्चुअल इस पॉइंट के ऊपर ये सोर्स चार्ज की फील्ड के बारे में बताएगा। सही। तो कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम से कम होना चाहिए, यानी स्मॉल होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए, ताकि ये सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो यही तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करने का कि कोई दूसरा चार्ज आप उस रीजन में लेकर जाएं, अगर उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगी तो आपको पता लग जाएगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो अगर हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड रीजन अराउंड सोर्स चार्ज इन विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
एक्सपीरियंस फोर्स। तो उस मॉडिफाइड रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। अच्छा, जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, ये हम कैसे मालूम करेंगे? तो फोर्स डिपेंड करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक तो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ये वेक्टर फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, सही है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो आपको स्ट्रेंथ भी मालूम करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और डायरेक्शन भी। अब आपको कैसे पता लगेगा किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में और डायरेक्शन के बारे में? फॉर एग्जाम्पल, ये एक चार्ज है, सही है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और ये डायरेक्शन है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगी और डायरेक्शन वही रहेगी। तो लेंथ जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है और जो एरो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, लेंथ और ये जो एरो है ये डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो स्ट्रेंथ डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँगा। तो जो अमाउंट होगा फोर्स का वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा या करने लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो वो सिंगल वेक्टर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कि स्ट्रेंथ के बारे में भी बताए और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बताए, इस वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सही है। ये जो सिंगल वेक्टर है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कि स्ट्रेंथ के बारे में भी बताए और डायरेक्शन के बारे में भी बताए, इस फील्ड वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, तो इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी उस पॉइंट के ऊपर इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सही है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो यूनिट की अगर बात की जाए तो
फोर्स न्यूटन पर कूलम, एक तो आपको ये नजर आ रहा है, इसके अलावा एक और भी ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये अभी हम आगे जाके ड्राइव करेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सही है, ये कोई एक पॉइंट चार्ज है क्यू, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी हर तरफ हर डायरेक्शन में तो ये तो मैंने चंद फील्ड लाइंस बनाई हैं, तो आप जितनी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है और अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज की फील्ड के बारे में जानना है तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट चार्ज को प्लेस करूँगा। टेस्ट चार्ज की भी अपनी फील्ड होगी, इसी वजह से मैंने कहा कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम से कम होना चाहिए ताकि ये सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो ये टेस्ट चार्ज है, तो मुझे मालूम करना है अगर सोर्स चार्ज जिस टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम कूलम्स लॉ के जरिए मालूम कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो क्यू वन है वो क्यू है और जो क्यू टू है वो क्यू नॉट है अपॉन आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म लिखूंगा मैं, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो पॉइंट चार्ज है किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स हमने कूलम्स लॉ के जरिए मालूम की के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप और इससे डिवाइड किया क्यू नॉट, तो ए अपॉन बी होल अपॉन सी, जिसके नतीजे में ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो आर कैप यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन के बारे में बताता है। सही है, यहाँ ये जो आर कैप है ये फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है और यहाँ ये जो आर कैप है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये किसी भी चार्ज की फील्ड को मालूम करने का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। इसका मतलब जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिलेशन है आर के साथ वो इनवर्स है, यानी जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी और जितना हम चार्ज के करीब आएंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ये एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का
तो आपको 30 सेंटीमीटर के फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। सही, तो डाटा के एक तो चार्ज है 3 माइक्रो कूलम यानी 3 एक्सपोनेंट -6 कूलम, दूसरा जो डिस्टेंस है आर 30 सेंटीमीटर है, मीटर में 0.3 मीटर हो जाएगा। तो K कांस्टेंट है जो कि यूज़ होगा, जो कि 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर कूलम स्क्वायर। तो हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिक्वायर है ई। सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, क्यू 3 एक्सपोनेंट -6, डिवाइड बाय आर 0.3 का स्क्वायर। सही, तो ये वैल्यूज हैं, सॉल्व करते हैं। तो 9 एक्सपोनेंट 9, 3 एक्सपोनेंट -6 और डिवाइड करेंगे 0.3 का स्क्वायर। तो 300,000 यानी 300,000 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि अगर दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, दोनों का मास 0.1 किलोग्राम है, तो दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, सही, दो स्मॉल स्फेयर्स हैं, दोनों का मास 0.1 किलोग्राम है। तो डेटा भी बनाते रहते हैं साथ के साथ, दोनों का जो मास है M1 M2 वो 0.1 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 तो 1 एक्सपोनेंट -4 किलोग्राम। ये तो मास आ गया ना, तो दो स्फेयर हैं और दोनों का मास 0.1 ग्राम है, सस्पेंड हुए हुए हैं पॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स जिनकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंथ है थ्रेड की 20 सेंटीमीटर है ना, सही, तो ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। तो लिख देते हैं लेंथ 20
सेंटीमीटर। इसके अलावा दे आर इक्वली चार्ज, दोनों पे चार्ज भी बराबर है। इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q एंड दे रिपेल ईच अदर, क्योंकि एक जैसे चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। और रिपेल करके कितने डिस्टेंस के ऊपर चलेगा? 24 सेंटीमीटर, सही। तो दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस यानी आर 24 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 0.24 मीटर। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच स्फेयर? आपको चार्ज मालूम करना है तो कांस्टेंट भी यूज होंगे, जैसे के यूज होगा 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके अलावा ग्रेविटी भी यूज होगी, मास है तो वेट की वजह से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें क्यू निकालना है ना, दोनों स्फेयर पे जो चार्ज है वो तो बराबर है, तो हमें फाइंड करना है क्यू, Q1 हो या Q2 हो या Q हो, ये हमें फाइंड करना है, सही है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं सेंटर में, सही है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये जो हाफ डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? ये 12 सेंटीमीटर होगा ना, ऐसे ये भी 12 होगा सेंटीमीटर में, ठीक। जो एंगल है ये थीटा हम मालूम कर सकते हैं, हमें लेंथ मालूम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल को यूज करना पड़ेगा। थ्रेड है तो कौन सी फोर्स क्रिएट हो रही होगी? टेंशन फोर्स क्रिएट हो रही होगी, सही। यहाँ भी टेंशन फोर्स क्रिएट हो रही होगी, तो इस टेंशन फोर्स, क्योंकि कुछ एंगल बना रही है तो हम कंपोनेंट की बात करेंगे, तो टेंशन फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पर है। यहाँ भी ऐसा ही है, सही, क्योंकि जो एंगल है वो दोनों जगह सेम ही होगा। तो ये जो कंपोनेंट है टी साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, ऐसे ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो इस स्फेयर का वेट स्फेयर का वेट सही है, तो ये वेट है। रिपल्सिव फोर्स है इन दोनों के दरमियान, तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये डायग्राम है। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे फोर्स, और ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा और वेट बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा को। तो एक इक्वेशन बनेगी एफ
एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और एक इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो इक्वेशन टू को डिवाइड इक्वेशन वन फ्रॉम टू, तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी और राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमें टेंशन फोर्स मालूम नहीं थी और हमें निकालनी भी नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगी। तो W डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, W डिवाइड बाय F। तो F निकालना है, तो इन टर्म्स ऑफ F, F इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय टेन थीटा, सही है। तो ये f जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन थीटा का डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थ्री, तो f क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए आपको f मालूम होना चाहिए। f इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, तो अगर आपको f मालूम हो जाएगा तो आप q q फाइंड कर लोगे। और f के लिए आपको वेट पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करेंगे। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। अगर डायग्राम में जाते हैं हम, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, बेस 12 है सेंटीमीटर में, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूस हमें मालूम है, तो पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर है, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h की बात की जाए तो h लेंथ है और जो b है वो 12 है और जो लेंथ है वो 20 है। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर में वैल्यूज रखी हैं, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 16 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.16 मीटर, सही। तो अब टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी 0.16 और बेस जो है वो 0.12, 12 है ना, तो 0.12। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.16 डिवाइडेड बाय
0.12, तो 1.333। टेन थीटा आ गया तो फोर्स भी आ जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो वेट है एम जी डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो एम की वैल्यू हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, वन एक्सपोनेंट माइनस फोर। और जी ग्रेविटी है 9.8 और टेन थीटा 1.333। तो एफ का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 1.333, तो 7.35 एक्सपोनेंट माइनस 4, 7.35 एक्सपोनेंट माइनस 4 और न्यूटन। फोर्स हमने निकालनी पड़ी क्योंकि हमें चार्ज मालूम करना था। अब फोर्स आ गई है तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं कि क्यू वन भी क्यू है, क्यू टू भी क्यू है अपॉन आर स्क्वायर, और फर्दर हो सकता है कि क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमें क्यू निकालना है, ये आर स्क्वायर जाकर एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और के जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय के, और क्यू निकालना है तो क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। वैल्यूज पुट करते हैं, एफ की वैल्यू 7.5 एफ की वैल्यू है 7.35 एक्सपोनेंट माइनस 4 आर की वैल्यू है 0.24, 24 सेंटीमीटर था तो मीटर में 0.24 का स्क्वायर, और के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9। तो क्या आंसर आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट तो 7.35 एक्सपोनेंट माइनस 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 0.24 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे 9 एक्सपोनेंट 9, तो 6.85 एक्सपोनेंट माइनस 8। कूलम, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, सही। चलें अब हम डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए। चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी फील्ड लाइंस, यानी ये फील्ड लाइंस वहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आएंगी लेकिन ऐसा बिहेवियर आपको नज़र आएगा। जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की, इमेजिनरी फील्ड लाइंस, इनको लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है इन फील्ड लाइंस को। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। तो कैसे पता लगा इन फील्ड लाइंस के बारे में, या हमने क्यों इस तरीके से विजुलाइज किया
विजुलाइज करना इस तरीके से आसान है। असल में जो फील्ड लाइंस हैं ये वो जो टेस्ट चार्ज हम प्लेस करते हैं किसी भी पॉइंट पर, ये उसका पाथ है कि अगर हम उसको प्लेस करें तो उस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स की वजह से जो मूव करता हुआ जाएगा, तो वो जो पाथ है वो पाथ को हम ड्रॉ करते हैं और वही फील्ड लाइन होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो जो फील्ड लाइन होगी वो इसी तरीके की होगी, लेकिन फर्क ये होगा कि अब जो एरो होंगे वो इनवर्ड होंगे। सही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। कन्वेंशनली हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपेल करेगा। इसी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स हैं वो आउटवर्ड होती हैं रेडियली, और जो नेगेटिव चार्जेस की फील्ड लाइन्स इनवर्ड होती हैं रेडियली। फील्ड लाइन्स क्लोजर होती हैं तो स्ट्रांग होती हैं, और अगर फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर हों तो वीक होती हैं। तो जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होती है। इसी वजह से, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के जब हम करीब जाते हैं तो फील्ड लाइंस क्लोजर होती रहती हैं, और चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता रहता है। तो ये तो हमने आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल्स की बात की। अगर एक से ज़्यादा चार्ज होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो जो फील्ड लाइन होगी इनके इस केस के अंदर जो फील्ड लाइन होगी जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको जानना है जो फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होगी वो दोनों फील्ड लाइंस के ऊपर डिपेंड करेगी, इस चार्ज की फील्ड लाइन पे भी डिपेंड करेगी और इस चार्ज की भी फील्ड लाइन पर डिपेंड करेगी। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड होगी वो दोनों चार्ज की फील्ड के सम के बराबर होगी। और डायरेक्शन आप कैसे मालूम करोगे? किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने मालूम करनी है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर। कर्व है तो हर पॉइंट पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से आप किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज हों और दो नेगेटिव चार्ज हों, ऐसी कोई सिचुएशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो फिर फील्ड लाइंस किस तरीके की होंगी? एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस के अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके की होंगी। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी ऐसी होगी, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी इसी तरीके की होगी। फर्क क्या होगा कि पॉजिटिव के केस में फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और जो नेगेटिव है उसके केस में फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। ये जो पॉइंट है जहाँ पर नेट फील्ड जीरो होगी, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। इसको न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है जहां पर फील्ड लाइन जीरो होती है। ऐसे ही अगर दो प्लेट्स के दरमियान मुझे फील्ड लाइंस को देखना है, दो इनफाइनाइट प्लेट्स के दरमियान,
लेट सपोज ये एक प्लेट है, एक और प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है, तो ये फील्ड लाइंस बिटवीन द प्लेट यूनिफॉर्म होंगी। अगर इनफाइनाइट हो तो फील्ड लाइंस हमेशा यूनिफॉर्म होंगी अगर प्लेट इनफाइनाइट हो। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब दो फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर फील्ड लाइन जो प्लेट्स हैं वो इनफाइनाइट ना हो बल्कि उनकी लेंथ फाइनाइट हो तो आखिर में देखेंगे आप दो जो प्लेट्स के आखिर में जो फील्ड होगी वो बल्जिंग आउट होगी। इनको कहा जाता है फ्रिंजिंग फील्ड। क्योंकि जो एंड का हिस्सा है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा होगा जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जिसकी वजह से जो एंड पर जो फील्ड लाइन होगी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो बल्जिंग आउट होगी यानी फ्रिंजिंग फील्ड होगी। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक प्लेट हो तो फिर जैसे एक चार्ज है पॉजिटिव और प्लेट है यहाँ और चार्ज पॉजिटिवली है तो फील्ड लाइंस प्लेट तक आते आते परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्या करेगा ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा अगर ये प्लेट न्यूट्रल है और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ कर देगा, जिसके नतीजे में इनसाइड द प्लेट फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और जो ये चार्ज है इसकी फील्ड की डायरेक्शन ओपोजिट होगी, तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी, इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड जीरो होगी, तो इनसाइड कंडक्टर फील्ड जीरो होती है इसी वजह से। तो इस टॉप सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ ली बॉटम सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इन्होंने अपनी फील्ड क्रिएट की जो कि ओपोजिट डायरेक्शन में होगी जो कि इस चार्ज की फील्ड की, जिसकी वजह से नेट फील्ड इनसाइड द प्लेट जीरो हो जाएगी, तो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होती है। और चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है सरफेस पर कि फील्ड लाइंस आते आते प्लेट पर परपेंडिकुलर हो जाती है, सही। और अगर हम इस प्लेट को करीब लेकर जाएं तो ये फील्ड कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, तो ये जो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं ये असल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस चार्ज और इस प्लेट के दरमियान इंट्रैक्शन है। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मैं करीब लेकर जाऊं तो फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, तो ये किस चीज़ को शो कर रही है कि इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन है। यहाँ कोई फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी बल्कि एक दूसरे को दूर कर रही होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ रिपल्जन है। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया कि कोई लिक्विड है जो कि इंसुलेटर है, उसके अंदर हमने ऐसे बीड्स रखे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो वो बीड्स अलाइन हो जाएंगे लेकिन मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि लिक्विड के अंदर लिक्विड जो है वो इंसुलेटर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अलाइन हो जाएंगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बिहेवियर नज़र आएगा। तो ये जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, सही है, ये जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये एक चार्ज कंडक्टर और एक प्लेट के दरमियान फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर हम कंक्लूड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने देखा कि वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर, एक। दूसरा ये है कि अगर हमें किसी एक से अगर ज़्यादा चार्जेस हैं, तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमें फील्ड लाइंस को मालूम करना है, दूसरा ये है, तो हम क्या करते हैं या उसकी डायरेक्शन के बारे में मालूम करना है तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की भी वही डायरेक्शन होगी। लाइंस अगर क्लोजर हैं तो फील्ड स्ट्रांग है और अगर दूर दूर हैं तो फील्ड वीक है। कोई भी दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, अगर क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब फील्ड लाइंस की उस पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शन है जो कि नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स।